अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। ये जो भावनाएं हैं, जो मजबूरियां हैं यहाँ पे, तुम लाख कोशिश कर लो टू मेक मी समथिंग एल्स बट आई विल नॉट बी, बिकॉज मेरे अंदर वो उस तरीके का इमोशंस, उस तरीके के भाव है ही नहीं। तो तुम मुझे, तुम्हारा मुझे बदलने की कोशिश करना ना, वो एक नाकाम कोशिश है। और यहाँ पे मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इफ ही इज़ यूजिंग दैट तेरी मर्जी के मुताबिक, बिकॉज एंड मजबूर इज ऑल्सो लाइक मे बी द रीज़न कुड बी लव ऑल्सो, और द रीज़न कुड बी लाइक यू आर डिपेंडेंट। सो आप दूसरों की तरह, अपना जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको छोड़ के आप दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वही कह रहे, तुम कितना भी कोशिश कर रहे हो लेकिन ये हो नहीं पाएगा, मैं कोशिश करूँ तो भी वो नज़र आ जाएगा, दिख जाएगा, छुप नहीं पाएगा, लोगों की निगाहों में आ जाएगा। अपने चेहरे से जो जाहिर है, चेहरे से जो जाहिर है उसे कैसे छुपा दें, और तेरी मर्जी के मुताबिक कैसे नजर आए। कहते हैं कि कह कहा आँख का बर्ताव बदल देता है, कह कहा जो है वो आँख का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। कहते हैं कि कह कहा मीन्स कि जो ठहाके लगा के हंसना होता है, जो जब आदमी बड़ा खुश होता है और या फिर किसी पल के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो ठहाके लगा के हंस रहा है, तो वो जो ठहाका होता है ना, वो आपकी आंखों का बर्ताव बदल देता है। क्योंकि कभी कभी उतना लाउड हंसने में भी हमारे, लाइक पीपल, देर आर इंसिडेंसेस लाइक मोस्टली वी सीन कॉमेडी शोज, लाइक पीपल स्टार्ट टू लाफ एंड देन दे स्टार्ट टू क्राई, टीयर स्टार्ट टू कम, आंसू आने लग जाते हैं आंखों से। तो एक हंसती हुई आंखों से आंसू आना, और एक अंदर जो दिल रो रहा है फिर उसके इन्फ्लुएंस से जो आंसू आना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो कह रहे हैं कि जो कह कहा होता है, जो ठहाके की हंसी होती है, वो तो आँख का ही पूरा बिहेवियर चेंज कर देता है। जो तुम जो, तो फिर ओ हंसने वाले, जो तुम हंस रहे हो, तुमको आंसू कहाँ से नजर आएंगे। जिसका दिल रो रहा है उसकी आंखों का आंसू तुमको कहाँ नजर आएगा। हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो खुशी के आंसू है, और जो कह रहे हैं उनकी आंखों में है वो दुख का आंसू है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नजर आए कैसे। इट्स लाइक दैट कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, और वो ओवर तब हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हम सबके बारे में जो अनुमान लगा रहे हैं वो सही ही है। लाइक दैट कह रहे हैं कि तो फिर लोग जो होंगे वो अपने अनुभवों के हिसाब से ही दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी देखेंगे, क्योंकि उनके विचार वैसे ही डेवलप होते हैं। हमारे जो आदतें होती हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं वो सारी चीज़ें। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी देखेगा तो अपने नज़रिए से ही तो देखेगा, मुझे देखेगा तो उसके लिए मैं, मतलब मेरे लिए वो एक कतरा है, क्योंकि मैं जो हूँ वो समुंदर हूँ, मुझे नहीं समझ पाएगा कतरे को समुंदर कैसे नज़र आए, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस का ओशन है, उन एक्सपीरियंसेस से मुझे जज करने वाले का कभी सामना नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा भी देख रहा है और उस थोड़े से के बल पे वो मुझे पूरा ही जजमेंट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी नाकाम कोशिश है। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नज़र आए कैसे। तो उसको नहीं नज़र आएगा, वो कतरा है।